किसान भाइयों नमस्कार और आज हमारा आना हुआ है अमरोहा क्षेत्र में और आज हम आपको एक गन्ना दिखाने भी लाए हैं ये नया बीज भी है और साथ साथ में हमारा जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम साडा का लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं साडावीर प्रोडक्ट को वर्ल्ड कंपनी का तो उसमें ये प्रोडक्ट यूज हुआ भी है तो मिलवाते हैं आपको किसान से नमस्कार देवेंद्र जी नमस्कार सुनाइये भाई कैसे हैं आप बढ़िया जी बढ़िया आप चलिए अब बताइए मुझे ये पहले तो ये बताइए बुवाई कब की है बुआई है एक अप्रैल की अप्रैल की अच्छा ये कौन सा बीज है छियासी जीरो बत्तीस है एक अप्रैल को आपने बोया था चलिए कैसा गन्ना लगभग हाइट कितनी होगी हाइट तो तुम्हारे सामने होगी कम से कम तेरह फीट ज्यादा होगी चौदह फीट के गन्ने से बहुत नीचे है चौदह फीट जो हम लोग देखते हैं तेरह चौदह फीट के आसपास वो गन्ने तो तो काफी हाइट सोलह फीट के आसपास हाइट होगी इसका राज क्या है राज यही है कि हमने बस कंपनी के साठ डबी वाइफ वगैरह नीचे एस एस पी के साथ फिर उसके बाद दो सभी लोग आ जाओ बराबर में आ जाओ स्प्रे फोर जी के करे अच्छा दो स्प्रे आप लोगों ने फोर जी के, के करे और दो बारह गन्ने दो गन्ना स्पेशल लगाए ये ये लगाया है चलिए तो ये जो आपने अप्रैल में बुआई करी इसको तो हम तो वैसे किसी भी मौसम में बो सकते हैं असोजी बोना चाहे कोई बो सकता है, है। जैसे जो इस समय गन्ना बोना चाह रहे हैं लोग बो भी रहे हैं हाँ, बोया रहे है। हाँ तो उस टाइम पे बो सकते हैं आप राहुल भाई जैसे आप पहले से लगा रहे हो आपके यहाँ से बीज लेके आए और साडावीर की भी जानकारी आपने इन्हें बताई थी दी थी और लगवाया भी है तो आप बताओ इसके बारे में जानकारी विस्तृत दो थोड़ा सा इसका विस्तृत जानकारी ये महाराष्ट्र की वैरायटी है छह से जीरो बत्तीस की अच्छा महाराष्ट्र की है ठीक हाँ। है इसे लगभग मेरे पास हो गए नौ साल ठीक है हाँ। मैंने जो जितना भी किया तो ट्रेंच में किया है और ट्रेंच में इसकी मोटी इन्होंने ढाई फीट पे किया है सिंगल विधि से किया है तो इनकी पत्नी इसकी जो मोटाई है बहुत कम है जो मेरे पास है वो पांच फीट पे है तो उसकी मोटाई बहुत ज्यादा आती है लगभग कितने इंच तक मोटाई जाती होगी जैसे आपने अपना बोया है ट्रेंच पे लगभग लगभग दो से ढाई इंच तक मोटाई चली जाती हाँ। है अच्छा जैसे पोरी की लंबाई अगर इन्हीं की देखे तो लगभग मेरे हिसाब से नौ इंच के आसपास पास है नौ इंच नौ इंच के आसपास होगी देखो देखो अगर मैं ब्लस्ट ये देखो ये ब्लस्ट जो है छह इंच आता है नौ इंच के आसपास नौ इंच के आसपास जो है वो पोरी की लंबाई है और जैसा कि आप राहुल जी बता रहे हैं कि ये ढाई इंच के आसपास में मोटाई ले जाता है जो हमारे यहाँ लगभग लगभग लग इसका चार से पाँच किलो तक का गन्ना हो जाता है चार से पाँच किलो आपका तो भूड का जंगल है आपका तो भूण का जंगल है, है? तो है। भूड का जंगल है मैंने पाँच किलो तक का गन्ना मैंने काटा अच्छा हाँ, जो इसकी पैदावार है अड़तीस से ज्यादा है अड़तीस ऐसी ज्यादा लागत लागत अड़तीस से बहुत कम है बहुत कम है अच्छा बीमारियाँ जैसे बहुत सी अड़तीस में बहुत सी ज्यादा समस्याएं आ रही है इतना नहीं है इसमें नहीं देख सकते नहीं वैसे पत्ता बिल्कुल हरा है पत्ता आप लोग देखिए पत्ता शानदार है और सबसे मेन चीज है पौधा ये देखो आप लगा हुआ अप्रैल का है और हाइट देखो कहाँ जा रही है बहुत हाँ ले भाई अभी कितने महीने हुए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब सातवा महीना इसे चल रहा है अभी और मार्च तक इसकी मोटाई भी बहुत अच्छी बढ़ेगी बढ़ेगी लंबाई बढ़ेगी चलिए भाई इन्होंने देविंदर भाई, तो भाई तो सुमित जी ने कितनी हाइट होगी लंबाई लेके जा रहा है पाँच फुट नौ इंच तो मेरी है ऊपर से अगर इसे देखें तो ये तीन फीट के आसपास ये है तीन फीट के आसपास हो गया तो नौ फुट तो यही होगा हाँ। उसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते गन्ने गन्ने की हाइट मान के चलते हैं जो गन्ना गन्ना फिट है अलग चौदह पंद्रह फिट है गन्ना गन्ना चौदह पंद्रह फिट है और बाकी अगर पत्ते के साथ में लगाएंगे तो सत्रह फिट से ऊपर जाएगा सत्तर बल्कि तो आपने तो सीधे में खड़े ना पिए और ये ये गिर के गया हुआ है गिर के गया हुआ है चलो भाई आप बताओ आप मेरठ से आए हुए हो तुमने देखा अपने यहाँ कोई ऐसा आ, हमारे यहाँ तो बहुत अड़तीस लोग लगाते हैं हमारे यहाँ तो अड़तीस ही चल रहा है अड़तीस ही चल रहा है हाँ और वो भी और पूरी वो भी खत्म हो लिया पूरा मतलब खून पसीना करके भी इतना नहीं हो पा रहा है।, है इतनी की इतनी लागत लग रही है लोगों की बिल्कुल हमारा रोज का फील्ड में घूमना रहता है बीमारियां बतेरी हैं बीमारी बहुत ज्यादा है अच्छा एक चीज राहुल जी और पूछना चाहेंगे आपसे जैसे आप प्रोग्रेसिव फार्मर में भी हैं आपने पहले भी हमारे प्रोडक्ट लगा रखे हैं हमने आपकी वीडियो वगैरह शूट करी है तो आप मुझे ये बताओ इसकी रिकवरी वगैरह कैसी है अड़तीस से, से के मैंने इसका धनोरा सुगर मिल बेब ने चेक किया था तो इसकी बराबर रिकवरी आई थी अड़तीस इसकी अच्छा बेब सुगर मिल वालों ने मतलब वो कर रखा है इनको पास कर रखा है बिल्कुल बिल्कुल बाकी इसका किसी ने गुड़ गुड़ बनवा के देखा गुड़ का भी है पिचासी का बिल्कुल सेम जैसे पिचासी का होता पिचाशी का गुड़ है वैसे सेम इसका बनता है अच्छा सेम इसी का गुड़ बनता गुड़ है अच्छा है। 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 आपने बनवाया था हाँ, मैंने बनवाया था चलिए बढ़िया क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र किसान भाइयों से अगली फेरी इसी लगाएंगे अगली बार इसी लगाएंगे और साडा वीर साडा वीर तो लगाए रहे हैं और लगवा भी रहे हैं अच्छा अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं एक बार अपना नंबर दो कोई आपसे संपर्क करना चाहे बीज के लिए एक बार आप भी नंबर दो राहुल जी आप भी नंबर दो दोनों लोग अपना नाम फोन नंबर पहले आप राहुल जी आप बताइए मेरा नंबर छिहत्तर अठारह अट्ठावन चालीस सतहत्तर अपना नाम और एक बार एड्रेस और बता देना मेरा नाम राहुल कुमार धनोरा के पास मिलक मोती खेड़ा गाँव मेरा मील के पास में ही गाँव मील के पास में ही है जिला अमरोहा पड़ता है जिला आप देवेंद्र जी अपना बताइए मेरा नाम देवेंद्र चौहान ग्राम मिलक मोबाइल नंबर चौरासी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और मैंने तो अड़तीस को कम से कम पांच साल से बिल्कुल खत्म कर दिया आपने यहाँ किसानों के लिए एक सलाह आप लोग अपना मैसेज भी दे सकते हो कि भाई अड़तीस को आप बदलो, बदलो। क्योंकि अड़तीस अब खर्चा ही करवाएगा खर्चा ही करवाएगा उसके अलावा तो कुछ नहीं, नहीं, नहीं है पांच साल साल से है मेरे पास कोई भी गन्ना अड़तीस का एक भी गन्ना नहीं है मेरे पास सारी नई वरायटी दो तीन वरायटी और नहीं है वो भी जबरदस्त है क्योंकि अड़तीस में क्या है ना बीमारियां ज्यादा आने लगी लागत बढ़ेगी आप अगर उत्पादन ले भी रहे हो तो उसका खर्चा भी तो लागत में दे रहे हो ना उससे बेहतर है की बदलाव कर लो और बदलाव जरूरी है लागत ही नहीं जाता है। बिल्कुल कम लागत में चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा सारा गन्ना एक सही है पूरा हाइट सभी आप देखेंगे हाइट पूरी एक सी आ रही है और मेरे हिसाब से सत्रह सोलह सत्रह फिर से नीचे कुछ नहीं है, है। चलिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का फीडबैक देने के लिए और आपका प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जानकारी देने के लिए और साथ में अपना जो भी आपने नई वैरायटी लगाई नया उत्पादन करा नए बीज का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ठीक है नमस्कार धन्यवाद